हेलो दोस्तों, मोटरोला G9 पावर इसका मॉडल है। तो इसका बूट केबल मेरे पास नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट सोल्डरिंग करके बैटरी कनेक्टर में प्लस और माइनस लगा के हम लोग चेक कर सकता है, टेम्पोरी चेक कर सकता है। यहाँ पे देख, पहले 95 उसके बाद में 55 में आके अटक जाता है, इस तरह प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आपका फ़ोन में भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरा ये वीडियो देखो। तो मैंने कुछ दिन पहले, दो चार दिन पहले एक मोबाइल बनाया था, मोटरोला G9 पावर, सेम टू सेम मॉडल और सेम प्रॉब्लम। इसमें भी सेम प्रॉब्लम ही है। उस फोन में मैंने क्या किया था, CPU को रिवोल्व करके ठीक किया था। इसको भी आप CPU को रिवोल्व करना ही पड़ेगा। और इस मदरबोर्ड को अगर हम ब्लोअर से हीट करेंगे तो कुछ दिन चलेगा, दो एक दिन चलेगा, उसके बाद सेम प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट CPU को रिवोल्व कर दीजिए। और इस फ़ोन में ब्लैक पेस्ट जो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो किस तरह करना है मेरा ये वीडियो देखो। आपका फ़ोन में कितना भी ज़्यादा ब्लैक पेस्ट क्यों ना हो, ये वीडियो देखने के बाद में आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसलिए बोलता हूँ फुल वीडियो देखा करो। यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा ब्लैक पेस्ट है ना, बहुत ही ज़्यादा ब्लैक पेस्ट है। और इसका MMC और CPU काफ़ी नज़दीक है। इसके हाइनिक का MMC है और MMC को आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा, नहीं तो हीट लगने से आपका MMC भी ख़राब हो सकता है। ठीक है, काटर करने का टाइम में जो IC का आसपास में जो गुलू लगा है, यहाँ पे देखो, इसको कटर करने का टाइम में हम लोग हीट रखेंगे 200 और इस तरह धीरे धीरे, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना है, धीरे धीरे करके कटना है। 200 210 इस तरह हीट रखना है ब्लोअर का। ठीक है, और ब्लेड से धीरे धीरे करके काटना है। ज़्यादा हड़बड़ी करेगा तो आपका ब्लैक पेस्ट का नीचे जो ट्रैक है वो काट जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना है और इस तरह धीरे धीरे करके काटना पड़ेगा आपको ब्लैक पेस्ट को। यहाँ पे देखो, दोबारा देखो, आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्लो किया है वीडियो को। तो इस तरह आपको काटना पड़ेगा ब्लैक पेस्ट को, IC का चारों तरफ धीरे धीरे करके। 200 हिट में आपका MMC खराब नहीं होगा और CPU का आसपास में जो भी छोटा छोटा कैपेसिटर रेजिस्टेंस लगा है वो 200 हीट में आपका बोर्ड से भागेगा नहीं। ठीक है, आप आराम से काट सकता है ब्लैक पेस्ट को। तो अभी ब्लेड घुसाने के लिए हमको थोड़ा सा एक एरिया चाहिए, थोड़ा सा एक जगह चाहिए जहाँ पे आपको अच्छा लगे, जिस साइड में आपको अच्छा लगे कि हम इस साइड में ब्लेड घुसाने से अच्छा होगा, उसी साइड का जो भी कैपेसिटर रेजिस्टेंस होगा उसको निकल के, बोर्ड से निकल के थोड़ा साइड में रखिए। ठीक है, फिर ब्लेड आराम से घुसा दीजिए IC के अंदर। IC के अंदर में घुसने के बाद में थोड़ा सा ही पिछड़ देना है ऊपर का साइड में। और IC निकलने का टाइम में आपको ब्लोअर का जो हीट है वो रखना है 350 से लेकर 355 तक, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। ठीक है, इस तरह आराम से निकल जाता है। अभी इसमें आयरन से आपको साफ़ करना पड़ेगा, इस तरह मदरबोर्ड को आयरन से साफ़ करना पड़ेगा। और सेम IC में भी आयरन से हम लोग साफ़ करेंगे। और अगर कहीं पे ब्लैक पेस्ट काटना होता है तो फिर से हम लोग दोबारा 200 हीट में रख के ब्लैक पेस्ट को काटेंगे। ठीक है, तो मेरा ये पूरा वीडियो देखो और एंजॉय करो। ठीक है, दोस्तों आप जब डिसोल्डरिंग वायर यूज़ करेंगे ना, उस टाइम ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है मदरबोर्ड की तरफ, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, धीरे धीरे करके यूज़ करना है। ठीक है, एक बार में जगह दो बार चार बार करो, लेकिन ज़्यादा प्रेशर मत दो। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर देने से क्या होगा, मदरबोर्ड में खुरस लग जाएगा, पॉइंट बाहर निकल के आएगा, फिर आपका सोल्डरिंग मतलब IC बैठने का टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसलिए
ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, धीरे धीरे करके करना है। सेम उसी तरह आईसी के ऊपर में जब हम आयरन यूज़ करेंगे ना, उस टाइम भी थोड़ा धीरे धीरे करके करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। बार बार पीपीटी पेस्ट लगाना है, बार बार UV223 पेस्ट बार बार डालना है, और आईसी के ऊपर में थोड़ा सा आयरन यूज़ करना है। ठीक है, इस तरह करना है। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो ब्लैक पेस्ट ऐसे है, थोड़ा सा मैंने नॉर्मल पेस्ट डाला, फिर पीपीटी पेस्ट डाला, फिर हम अभी आयरन यहाँ पे ऊपर में धीरे धीरे करके इस तरह, जो भी ब्लैक पेस्ट होगा ना, जितना भी ज़्यादा ब्लैक पेस्ट होगा वो ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। आयरन का हीट स्टैम्प है मेरा 320, 320, 322, 325, इस तरह हीट, मतलब आयरन का हीट। ठीक है, यहाँ पे देखो,
दोस्तों, अगर आप लोग फेसबुक पर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल भी है बिग मॉल रिपेयर नाम से, प्लीज़ आइए जुड़िए, उसमें लगभग 700 जैसा मेरा वीडियो है। अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरा फेसबुक पेज भी है बिग मॉल रिपेयर नाम से। इसमें देखो बैटरी 2.9 वोल्ट है, ठीक है, बैटरी चार्ज नहीं है, तो इसलिए हम लोग एक बार दोबारा बूट केबल लगा के चेक करेंगे क्या ऑन हो रहा है क्या नहीं। और ये प्लस और माइनस से पूरा कंप्लीट ऑन नहीं होगा, सिर्फ लोगो आएगा और थोड़ा देर में ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये लोगो आया, मोटोरोला लोगो आया, थोड़ा देर चलेगा उसके बाद ऑफ हो जाएगा, फिर हम बैटरी चार्ज करके आपको दिखाएगा कंप्लीट ऑन करके। वीडियो अगर कहीं पे आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, थैंक यू सो मच। यहाँ पे देखो सेट ऑफ हो गया, थोड़ा देर में आपको चार्ज करके दिखाएगा। यहाँ पे देखो अभी चार्ज किया मैंने 2-3%,